तो तुम जाओ इसको लेके बरेली, यहाँ रख देता है। अब खाता है कि नहीं देखेगा शाम को एक बार ना। जो नया आया उसको भी, जो पुराना है उसको भी। क्या ये धनिया? और वेलकम जी, आप सबका स्वागत है आज के इस नए व्लॉग में। तो सबसे पहले आज एक स्टोरी सुना, छोटा स्टोरी है बट बहुत बड़ा और बहुत भारी स्टोरी बनते बनते रह गए, मतलब लकीली मेरे लिए बहुत अच्छा चीज़ है। अभी बताता हूँ, ब्रेकफास्ट करते करते मम्मी अंदर ब्रेकफास्ट बना रही, तो अंदर चलते हैं। और ट्रैक्टर वाले को भी अभी ट्रैक्टर निकालना था यार, इतना मुश्किल से कैमरा सेट किया। कोई नहीं, मम्मी ब्रेकफास्ट बना रही है अंदर, तो अंदर चलते हैं, मम्मी के साथ बैठते हैं, उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि मम्मी भी पार्टी है स्टोरी, तो उनका वो रहना बहुत ज़रूरी। हेलो, नाश्ता नहीं बन रहा है क्या आज? बहुत लेट हो गया। बन गया, पापा का तो पापा ने बना दिया रोटी। पापा बना दिया? हाँ। पापा का रोटी ये दूध उबालने का काम तो पापा का था क्या आज? हाँ। गिरा नहीं आज? पता नहीं। नहीं तो और दिन तो गैस में गिर जाता है ना। ये पापा का बनाया हुआ रोटी असल थोड़ा ठीक ही बना था। हाँ, सीख गया? सीख गया। अभी रोटी मोटा तो है भैया। हाँ, मोटा तो है लेकिन फिर भी उतना रात तक का रोटी ना एकदम पेल के एकदम पूरा खानदान का रोटी यहीं जाता है। मस्त अपना रोटी एकदम तगड़ा ना, कोई कमी नहीं, परफेक्ट। ऊपर जाना है कि यहीं बैठेगा? यहाँ तो आवाज आ रहा है ना, कुछ काम चल रहा है घर का। हाँ चल रहा है, सरिया काट रहे शायद। ठीक है, यहीं बैठ जाता फिर ना। यहाँ सरिया काट रहे हैं, यहाँ लकड़ी उकड़ी आ रहे हैं, ढोला बन रहा है, सब जगह से आवाज आवाज। ठीक है, यहीं बैठ जाता फिर। अब मेरे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट घट गया था फ्राइडे। जनरली क्या होता है, मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाता हूँ, तो अपना लैपटॉप अपने बिस्तर पर ही लेके मैं काम चालू करता हूँ ऑफिस का। उसके बाद थोड़ा खाली टाइम होता है, उसके बाद ब्लॉग करता हूँ हल्का सा, मतलब ये सब काम है 10 बजे से पहले जो मेरे से होता है। अब उसी बीच क्या होता है कि मम्मी कॉफ़ी भी लेके आती है और मैं बिस्तर पे कॉफ़ी भी पी लेता है। लेकिन उस दिन क्या हुआ, उस दिन चला था किस्मत थोड़ा ख़राब, तो मैं अपने गोद पे लैपटॉप लेके बैठा, मम्मी ने कॉफ़ी दिया, लेफ्ट हैंड पे कॉफ़ी, राइट हैंड पे मेरे मोबाइल का चार्जर। तो मैं मोबाइल का चार्जर प्लग पे ले जा रहा था, तो लैपटॉप भी उस तरह खिसक गया, कॉफ़ी भी थोड़ा साइड खिसक गया, तो कॉफ़ी क्या हुआ कप के बाहर आ गया और दो बूंद गिर गया लैपटॉप। अब लैपटॉप भाई अपना थोड़ा सा हाथी टाइप का है, एप्पल का है, तो उसके अंदर जैसे ही दो बूंद घुसा वो बोला आई गिव अप, मेरे से नहीं संभाला जाएगा, मेरे साथ हो गया बिजली। तुम जो करना है तुमको जो करना खाड़ो, मैं काम करना कर रहा है बंद। उसने हाथ उठा दिया। उसके बाद फिर हल्द्वानी पे तो एप्पल का सर्विस सेंटर है ही नहीं, रुद्रपुर में कॉल किया, रुद्रपुर वाला बोला कि भाई तुम्हारा लैपटॉप यहाँ हम खोलेंगे नहीं, एक एक हफ्ता तक अपना यहाँ मैकेनिक आता नहीं, मतलब इंजीनियर आता नहीं, तो तुम जाओ इसको लेके बरेली। अब बरेली वाले को कॉल किया, वो बोला कि सर फ्राइडे था, सैटरडे को आप 11 बजे से पहले आ जाओगे और कुछ लैपटॉप का कोई पार्ट खराब हुआ हम ऑर्डर कर देंगे और ट्यूसडे तक आ जाएगा, वरना आप 11 बजे के बाद आते हो तो आपका ऑर्डर प्लेस होगा मंडे को, फिर वो थर्सडे फ्राइडे तक आएगा। तो इसलिए शाम को 5-6 बजे मैं और मम्मी निकल लिए बरेली गया। वैसे मेरे को जाना था अकेले, मैं बोला था कि सैटरडे के सुबह मैं बाइक लेकर चल दूंगा, फिर आ जाऊंगा शाम तक, एक दोस्त भी है मेरा शंभू कॉलेज का तो उसके साथ भी आराम से बैठ लूंगा। लेकिन मम्मी नहीं 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 मेरे को भी आना, मेरे को भी आना, तो बस में सब लोग गए। सब लोग नहीं गए, हम दोनों भी, पापा नहीं गए। हाँ सब में दो ही लोग, मौसी भी थी, मम्मी मौसी के वहाँ रुक गए, मैं शंभू के वहाँ रुक गया। ऑफिस का काम करने के लिए मेरे पास और एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, लेकिन वीडियो सारा एडिट इसी लैपटॉप से होता है ना, तो इसलिए दौड़ा भाग हो गया थोड़ा, मतलब लकीली काम हो गया, कोई कीबोर्ड या कोई पैनल चेंज करना नहीं पड़ा। अगर चेंज करना पड़ता तो सीधा सीधा लग रहा था 45,000 का खर्चा, तो किस्मत से 2500 में काम हो गया। एकदम परफेक्ट काम नहीं हुआ, जुगाड़ पे हुआ है पूरा, जो भी चल रहा है मतलब। हाँ मतलब सर्विस सेंटर वाले ने भी बोला भैया एक साल ही हुआ लैपटॉप को, 45,000 क्यों डाल रहे हो, 2500 में काम हो रहा है तो होने दो, जब एकदम दम तोड़ देगा पूरा तब देख लेना। तो उसके बाद वहाँ सारा कुछ काम किया, उसके बाद घर है, इसलिए पिछले सैटरडे व्लॉग नहीं है क्योंकि लैपटॉप एडिट करने की हालत में नहीं था। इसे वहां चलो बरेली भी देख के आ गए, लैपटॉप भी हो सके दो बच्चे से। अब वही बात हो गया ना, हाथी लिया तो हाथी को पालो, खर्चा है तो करो, खिलाओ पिलाओ, यही था। तो आज का दिन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ब्रेकफास्ट हो रहा है, थोड़ा देर रुक जाओ और कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। मम्मी का दिया गिरा दिया चिड़िया निकाल नहीं रहा, मोटा हो गया एक से। अरे रे 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 ये बत्ती खा देता है चिड़िया ना, ये आया नहीं होगा ना, ये फंस गया होगा तब छोड़ दिया, यहाँ से खींचा होगा, ये मोटा हो गया। तो बच्ची निकाल के अब रख दो बाजू में, यहाँ रख देता है, अब खाता है कि नहीं देखेगा शाम को एक बार ना। खा देगा ना अंदर का बच्ची, यहाँ फेंकता खुल जाता है पूरा खा देता है। यहाँ कचरा करके क्यों रखा? अरे खो के नीचे में डाल देगा ना, खाती तो हो जाएगा। तो खोदेगा खोदेगा करते करते कचरा नहीं बन गया पूरा वो। हाँ बस चलता है कुछ लगाते फिर साफ सफाई करके फिर अंदर दबा देगा पूरा। बस अभी लगाना है, अरे बैंगन का पेड़ उड़ा दिया, अब फूल लगा देंगे, डालिया फूल लेके फूल रखे दी। 47 आते से नहीं देखा इतना बड़ा बड़ा डालिया फूल, वो है क्या है भैया नर्सरी, इतना बड़ा फूल आ रहा है मेरे को उस दिन तो लाला सारा था वहाँ घुस के लेने के लिए, कहाँ से बस से उतरे, कहाँ बस से जब आते बरेली से वापस, तब क्या सुंदर से खिला था पूरा बाहर। ले लेगा बाद में जाके, यहीं से भी ले लेगा, यहाँ भी तो मिलता है सामने से। मम्मी का ये तो मर ही गया, कड़ी पत्ता तो मर गया हमें,
मरा नहीं मरा, अंदर में क्या होता है, बाद में जाके ये पत्ता सूख गया होगा। मैं ध्यान नहीं दिया, पेड़ लगा दिया, क्यों ध्यान नहीं दे रहा है। ये आ रहा है, ये देखो पत्ता सूख गया खाली, फिर उग जाएगा। देखो तू हिला हिला के देखो, ऐसा कर करके हिला हिला, हिला हम बस ऐसे ऐसे किया, आज नहीं हमेशा तो ऐसा कर जिससे हिल जाता है जड़, तो क्या लगेगा फिर, सुना ही नहीं है। सही हो गया, देखो तो सही हो गया, तो फिर अंदर पत्ता हिला ऐसा करके सूख गया करके, तो जड़ तो हिलते रहेगा ना घास। और यहाँ पे आज काम हो रहा है, भैया लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे फ्रेम चढ़ रहा है, बाद में लेंडर डालेगा। बढ़िया भैया, सब मस्त। लंच ब्रेक कब लोगे फिर? अब वो लोग का आवाज ही नहीं जा रहा, हम क्या बोल रहे, वो लोग का समझ ही नहीं आ रहा होगा, इतना वो लोग कटिंग हो रहा है ना, कटिंग हो रहा है ना। सही है, आज पूरा दिन यही चलने वाला, ढोला बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं लोग। आज का कितना चिंता चिंता लगेगा होगा, बैकग्राउंड में सुना रहे, छत पे जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, सब जगह ये आवाज आ रहा है, सरिया कटने का इधर, ये लकड़ी पत्री कटने का, क्या क्या कटने का, ये होने वाला। मार्केटिंग डिपार्टमेंट पापा का जो नया आया है उसको भी, जो पुराना है उसको भी, जो देख रहे हैं उसको भी, सबको। और ये वन के सब्सक्राइबर होने की खुशी में आज बनेगा चटनी। अरे भाई पैर घुस गया यार, बगान कीचड़ कीचड़ हो रखा है, पानी डाला ना, पानी डाला ऊपर से। और ये तोड़ा जा रहा है, क्या है ये, भूल गया, क्या है बोलो, प्याज है, लहसुन, दो में से कुछ लहसुन 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 का पत्ता, लहसुन का पत्ता चटनी बनाएंगे। और ये देखो टमाटर हो गया है पकना शुरू, ये मस्त ना, एकदम मस्त लग रहा है। वहाँ भी तीन चार लगा हुआ है, ये देखो गुच्छे में तीन, एकदम मस्त, ये भी पकेगा थोड़े देर। ये अपना क्या है, ये धनिया, अरे भूल जाता बार बार, देखो ये तो क्लोजअप से मस्त लग रहा है ना। यहाँ पे धनिया लगाया है मम्मी ने, एक्चुअली मैं मेरे से पहले मम्मी आ गई बरेली से, मैं एक दिन बाद आया, तो मम्मी ने आते क्या किया, धनिया वनिया फेंक दिया कल यहाँ पे अपने खेत में, पानी डाल रहे थे, थोड़ा सा यहाँ से एक नाला करके ले लिया उनसे उधार, अंकल ने भी यहाँ से तो उन्होंने फ्री में दिया, बस हो गया काम, बस 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 बस। यहाँ अभी गिरने वाला था एक इंसान, और यहाँ पे तो एकदम बाइक ही चला दिया, फुल बाइक चला दिया, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ चल ही रहा है, यहाँ पे भी घर बन रहा है, वहाँ पे भी घर बन रहा है, वहाँ पे भी घर बन रहा है, वहाँ पे भी घर बन रहा है, सब जगह घर ही घर बन रहा है ना, उस चक्कर में कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में चलता रहता है। A few moments later. कितना बज गया अभी? 4 बज गया। तो अभी 3:44 हो रहा है। अपना काम वाम करके मैं उठा, मम्मी एक झपकी लेके उठी, तो अभी चल रहा है कॉफी ब्रेक। और अब तक चिड़िया आया नहीं वो बत्ती खाने के लिए, क्योंकि वहाँ ठका ठक चल रहा था, ठक 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 हो रहा है, तो कहाँ से चिड़िया आएगा, उसको भी तो जान बचाना है, तो लग रहा है उसी को मारने के लिए तैयारी में चल रही है, चाय वाय पीते हैं इसी के साथ, ये ब्लॉग यही खत्म, बन के सब्सक्राइबर पहुंच के देखते देखते, तो अब धीरे धीरे और आगे जाना, तो जो लोग नए हैं उनको वेलकम, जो पुराने हैं उनको थैंक यू, चैनल को ऐसे सपोर्ट करो, वीडियो को थोड़ा शेयर करो, देखते रहो और दिखाते रहो, देखते रहो दिखाते रहो, चलो टाटा।